तो आज के वीडियो में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है उन लोगों के लिए जो यूके में आके पढ़ाई करने का सपना देखते हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आप यूके आ सकते हो, यूके में बिना कोई पैसे खर्च किए आप यहाँ पढ़ाई कर सकते हो और जो आपकी कंट्री से यहां तक आने का जो खर्चा होगा, फ्लाइट टिकट्स वगैरह होंगी, वो भी आपको मिलेंगी और साथ साथ अगर आपके साथ कोई बच्चा आ रहा है एज अ डिपेंडेंट तो उसका भी आपको खर्चा दिया जाएगा। अब ये सब आपको कैसे मिलेगा ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अगर अभी तक आप लोग गेस नहीं कर पाए हैं तो मैं बात कर रही हूँ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स की। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप्स इन द वर्ल्ड। स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई थी 1960 में और अभी तक ये 31,000 स्टूडेंट्स की हेल्प कर चुकी है। ऑलमोस्ट हर साल ये स्कॉलरशिप 800 स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो मैं आप लोगों को ये सब क्यों बता रही हूँ क्योंकि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप अप्लाई करने की लास्ट डेट आ चुकी है। तो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप बेसिकली ऑफर की जाती है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज या फेलोशिप या डॉक्टरेट स्टडीज के लिए। तो इसके अंडर आप अब या तो अपने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हो या फेलोशिप करना चाहते हो उसके लिए भी आप इसके अंडर अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या आप अपने डिपेंडेंट्स को इस वीजा पे ला सकते हो या नहीं। तो हाँ, आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हो। वैसे तो यूके में डिपेंडेंट्स लाना लाइक मास्टर्स डिग्री के लिए अगर आप डिपेंडेंट्स लाते थे अपने यूके में तो ये जनवरी 2024 से ये प्रोविजन बंद कर दिया गया है। आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए अगर आप आ रहे हो तो आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हो उस वीजा कैटेगरी पे। बट अगर आप इस स्कॉलरशिप में चूज होते हो तो आप मास्टर्स डिग्री के लिए भी अपने डिपेंडेंट्स को यहां पे ला सकते हो लेकिन उसका सारा खर्चा आपको खुद देना होगा। तो सपोज आपकी वाइफ आ रही है या आपके बच्चे आ रहे हैं तो उनका खर्चा आपको खुद देना होगा। अगर आप सिंगल पेरेंट हो या अगर आप विडोड हो तो हाँ आपको चाइल्ड केयर मिलेगा। बट अगर ऐसा नहीं है सिचुएशन तो आपको सारे पैसे आपको उनके खुद देने पड़ेंगे, वीजा एप्लीकेशन से लेके उनकी फ्लाइट टिकट से लेके उनका सारा खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये होती है कि आप एक कॉमनवेल्थ कंट्री से बिलोंग करने चाहिए, वहां के रेसिडेंट होने चाहिए। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं जल्दी से देख लेते हैं। तो ये जो लिस्ट आपके सामने है इसमें मैं दिखा रही हूं आपको कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। आप देख सकते हो इसमें इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंडर आती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि इसके अंडर आती हैं। तो आप इस लिंक पे जाके अपनी कंट्री का कंट्री देख सकते हो कि इसमें है या नहीं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा यही है कि आप प्रूफ कर पाओ कि आप एक कॉमनवेल्थ कंट्री से बिलोंग करते हो। उसके लिए आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देना होगा जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया या फिर अगर आप इंडियन हो तो आपका आधार कार्ड भी चलेगा। तो बात करते हैं दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, वो ये है कि आप स्कॉलरशिप के बिना, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इस स्कॉलरशिप के बिना यूके में पढ़ाई करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो अगर हम तीसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो वो ये है कि आपको सितंबर 2024 तक आपको अवेलेबल होना है अपनी यहां पे डिग्री स्टार्ट करने के लिए क्योंकि यहां पे ऑलमोस्ट सारे सेशन सितंबर से स्टार्ट होते हैं। फोर्थ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको सितंबर 2024 से पहले आपको आपकी जो भी अभी आप पढ़ाई परस्यू कर रहे हो वो आपकी एंड हो जानी चाहिए और उसमें आपको फर्स्ट या सेकेंड क्लास से आपको पास करना है उसको और ये सारी डिटेल्स आपको फर्निश करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज ये है कि इसमें आपको सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे अभी आगे कि क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। और लास्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको एक साल से ज्यादा आपके पास किसी भी हाई इनकम कंट्री में आपने स्टडी या जॉब नहीं की होनी चाहिए। तब जल्दी से बात कर लेते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको तो ये फर्निश करना पड़ेगा कि आप एक कॉमनवेल्थ कंट्री से बिलोंग करते हो। तो इसके लिए आप अपना आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट कुछ भी दे सकते हो। इंडिया में इंडिया के जो नेटिव्स हैं उनके लिए आधार कार्ड भी वैलिड डॉक्यूमेंट लिस्ट में है। तो आप या तो अपना आधार कार्ड दे सकते हो या तो अपना पासपोर्ट दे सकते हो। सेकंड जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो ये हैं कि आपके पास आपकी सारी ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए सारी ही हायर एजुकेशन की। तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके ग्रेजुएशन की अपनी सारी ही जो डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास है, मार्कशीट्स वगैरह, वो सब आपको फर्निश करनी पड़ेंगी। तो अब जो लास्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो ये है कि आपको दो रेफरेंस लेटर सबमिट करने पड़ेंगे। ये रेफरेंस लेटर्स पीडीएफ फॉर्मेट्स में होने चाहिए और एक लेटर हेड पे होने चाहिए। तो ये रेफरेंस लेटर्स आप अपने कॉलेज में किसी से लिखवा सकते हो, लाइक आपके डिपार्टमेंट की जो एचओडी वगैरह है वो लिख सकते हैं ऐसा रेफरेंस लेटर आपके लिए।
तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस की कि स्कॉलरशिप के अंडर आपको क्या क्या फाइनेंशियल एड मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको मिलेगी ट्यूशन फीस, लाइक 100% ट्यूशन फीस कवर करती है ये स्कॉलरशिप और आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के। सेकेंड जो चीज में मिलेगी वो आपको मिलेगी मंथली स्टाइपेंड, तो आपको कोई पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको पार्ट टाइम करना जॉब करना अलाउड भी नहीं है स्कॉलरशिप के अंडर। आपको अगर ऐसी कुछ नीड है तो आपको वो सीएससी का अप्रूवल लगेगा उसके लिए। तो आपको ये लोग ऑलरेडी एक मंथली स्टाइपेंड देंगे जो आपके महीने के जो भी खर्चे होते हैं वो उसको कवर करेगा। तो अगर आप लंदन के किसी एरिया में हो तो आपको ऑलमोस्ट 1500 पाउंड्स मिलेंगे, और अगर आप लंदन से बाहर हो यूके में और कहीं हो तो आपको ऑलमोस्ट 1200 to 1300 पाउंड्स दिए जाएंगे। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज मिलेगी वो है आपको वार्म क्लोदिंग के लिए कुछ पैसे मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे काफी सारी वार्म क्लोदिंग्स लगेंगी, तो उसके लिए भी आपको एक कुछ अमाउंट दिया जाएगा वो क्लोदिंग्स वगैरह खरीदने के लिए। नेक्स्ट जो चीज मिलेगी आपको एक ट्रैवल ग्रांट मिलेगा, तो अगर आपको किसी सेमिनार के लिए जाना है या अगर कोई ट्रैवल स्टडी पर्पज ट्रैवल करना है आपको विद इन द यूके और इवन आउटसाइड द यूके, तो उसके लिए भी आपको ट्रैवल ग्रांट या उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल एड मिलेगी। लास्टली आपको एक चाइल्ड अलाउंस भी मिलेगा, तो अगर आप विडोड हो या फिर आप सिंगल पेरेंट हो तो आपको एक चाइल्ड अलाउंस मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 500 to 550 पाउंड्स तक का ये अलाउंस आपको मिलेगा पहले बच्चे के लिए, और अगर आपके दो बच्चे मतलब दूसरा बच्चा भी है या तीसरा बच्चा भी है तो हर पर सेकेंड या थर्ड चाइल्ड आपको 150 पाउंड्स मिलेंगे। तो अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है। तो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल इन लोगों ने खोल रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां जाके आप अपनी कंट्री चूज करके इजिली स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने अपनी सारी डिटेल्स देनी होगी और साथ साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट होने होंगे। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ऑनलाइन पोर्टल के अलावा आप अगर कहीं और से इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हो तो वो एप्लीकेशन आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी। तो मेक श्योर करिएगा कि आप ऑनलाइन पोर्टल से ही इनके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का ट्राई करो। स्कॉलरशिप को लेकर आपके दिमाग में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएगा, हम ट्राई करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को आंसर कर पाए। और अगर आप हमें प्राइवेटली रीच आउट करना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमें मैसेज कर सकते हो। तो होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना सबके साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।